हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में इमेज क्लासिफिकेशन वाले पार्ट के सुपरवाइज क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमेज क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो इमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक मेथड होता है पिक्सल्स को शॉर्ट करने का इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्लासेस। जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में इमेज में देख रहे होंगे, ये कंटिन्यूअस इमेज है, आरजीबी इमेज है, और इसको क्लासिफाई करके कुछ 7-8 क्लासेस में जो है क्लासिफाई कर दिया गया है बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ डेटा एंड बेस्ड ऑफ देयर डीएन वैल्यूज। मतलब सेम टाइप ऑफ के जो फीचर्स है उनको एक क्लास में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये जो है कंटिन्यूअस इमेज से इसका ट्रांसफॉर्मेशन थीमेटिक इमेज में हो गया है। इमेज क्लासिफिकेशन करने का बेनिफिट ये होता है कि हम स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन से जो है थीमेटिक इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं, डेटा के वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं और फीचर्स के एनालिसिस को कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे एक ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है दो बैंड्स के डीएन वैल्यूज को, और उसमें कुछ 6 क्लासेस में जो है डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है उनके क्लस्टर के फॉर्म में। जैसे कि ये गोल वाले जो ये कॉर्न है जो कि बैंड वाई में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और बैंड एक्स में यहाँ पे फॉरेस्ट की क्लास को ऐसे ही अलग क्लस्टर में रिप्रेजेंट किया गया है, हे के क्लास को अलग क्लास में रिप्रेजेंट किया गया है, सैंड को अलग रिप्रेजेंट किया गया है, वाटर को अलग और अर्बन को अलग। तो क्लासिफिकेशन में जो है डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन क्लास और स्पेक्ट्रल क्लास में। इंफॉर्मेशन क्लास क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्लास में जो होता है जो डेटा को एनालिसिस कर रहा हो, हम और आप जैसे लोग हो गए जो डेटा को एनालिसिस कर रहा हो, उसके सामने इमेज रखी हुई है और हम एज अ इमेज एनालिस्ट जो है फीचर को एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि ये वाला जो फीचर है ये रिवर है, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ये सारे फॉरेस्ट हैं, और ये सारे सेम टाइप ऑफ फीचर को एक क्लास में कैटेगराइज करते हैं। तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन क्लास। स्पेक्ट्रल क्लास क्या होता है कि जहाँ पे सिमिलर ग्रे लेवल के वेक्टर्स जो इंक्लूड होते हैं एक मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेस में। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें इंफॉर्मेशन क्लास में, तो यहाँ हमने बता दिया कि ये वाला वाटर बॉडी है, ये बिल्डिंग्स है, ये फॉरेस्ट एरिया है। स्पेक्ट्रल क्लास में क्या होता है, आपके पास एक आरजीबी इमेजरी है और कंप्यूटर जो है उसको ऑटोमेटिकली जो है कैटेगराइज करता है डिफरेंट क्लासेस में बेस्ड ऑन जो यूनिफॉर्म पिक्सल वैल्यूज हैं, एक दूसरे के नियर अबाउट में है, उस तरह की डीएन वैल्यूज को एक साथ में उनके ब्राइटनेस लेवल के तौर पे जो है क्लासिफाई कर देता है एक थीमेटिक इमेज में। तो ये स्पेक्ट्रल क्लासेस के अंदर आते हैं। तो इमेज क्लासिफिकेशन के जो है बेसिकली दो तरह के मेथड्स होते हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड जो है वो इंफॉर्मेशन क्लास में आता है, जिसमें जो इमेज एनालिस्ट को पता होता है कि इमेज को कितने क्लासेस में रिप्रेजेंट करना है, कौन सा फीचर कैसा दिखता है और किस तरह की कैटेगरी में आता है, ये सब इमेज एनालिस्ट को पता होता है और वो उस बेसिस पे जो है इमेज के ऊपर सिग्नेचर्स क्रिएट करता है डेटा में, उसके बाद इमेज को क्लासिफाई करता है। अनसुपरवाइज जो है वो स्पेक्ट्रल क्लास के अंदर में आता है, इसमें जो है कंटिन्यूअस इमेज को कंप्यूटर जो है उनके स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन के बेस पे, ब्राइटनेस लेवल के बेस पे जो नियर वाले होते हैं डीएन वैल्यूज, एक तरह के पिक्सल वैल्यूज जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके दे देता है एक इमेज। आपने जितने भी क्लास में जो है कंप्यूटर को बताया कि हमें 10 क्लास में चाहिए, 7 क्लास में चाहिए, उस अकॉर्डिंग वो इमेज को ग्रे लेवल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके दे देता है, और उसके बाद आप एनालाइज करते हो कि ये 7 क्लास में से कौन सा फीचर किस क्लास में फिट होगा। तो ये जो है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद है ट्रेनिंग फॉर क्लासिफिकेशन। ट्रेनिंग फॉर क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है कि हमने अभी जिन दो मेथड्स की बात की, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, उसके लिए जो है कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए कि कैसे जो है एक तरह के पैटर्न्स को एक क्लास में क्लासिफाई करना है। तो इन दो मेथड्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। सुपरवाइज ट्रेनिंग में क्या होता है, ये तो एनालिस्ट के द्वारा ही कंट्रोल होता है, और एनालिस्ट क्या करता है पिक्सल्स सेलेक्ट करता है एक जैसे पैटर्न वाले। जैसे एक इमेज है उसमें वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में यहाँ पे उसने एक सिग्नेचर ले लिया, यहाँ पे एक सिग्नेचर ले लिया, तो इन तीनों सिग्नेचर्स को जो है उसने बोल दिया कि ये इस तरह वाले पैटर्न जहाँ भी मिले वो वाटर बॉडी है। फॉरेस्ट में 2-4 सिग्नेचर ले लिया, फिर इन 4-5 सिग्नेचर्स को जो है उसने कह दिया कि इस तरह के पैटर्न वाले जो भी क्लासेस है वो फॉरेस्ट में आएंगे। इसमें जो है एनालिस्ट जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग पिक्सल सेलेक्ट करता है और उसके बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले पिक्सल्स को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद थीमेटिक क्लासिफिकेशन जो है आउटपुट के रूप में आ जाती है। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है एनालिस्ट के द्वारा की जाती है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट होती है, और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है कंप्यूटर ऑटोमेटेड होती है, इसमें बस आपको
स्पेसिफाई करना होता है कि किसने कितने नंबर ऑफ क्लासेस में जो है थीमेटिक इमेज आपको चाहिए, और उसके बाद कंप्यूटर जो है उतने क्लासेस में आपको इमेज क्लासिफाई करके दे देता है, और उस क्लासिफाइड क्लासेस में जो है आप पैटर्न आइडेंटिफाई करके जो फीचर जिस भी क्लास में फिट होता है उसके अकॉर्डिंग थीमेटिक मैप प्रिपेयर करते हैं। ये मेथड जो है कंप्यूटर के द्वारा होता है। फीचर्स वो जो है ग्रे स्केल के लेवल पे एनालाइज करता है, इसलिए ये लेस एक्यूरेट होता है और इसमें लेस स्किल रिक्वायर्ड होती है। तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन को अगर थोड़ा और डिटेल में देखें, इसके फ्लो चार्ट को, इसके मेथडोलॉजी को, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो रॉ डेटा का होता है। आपके पास एक रॉ डेटा सैटेलाइट इमेज होनी चाहिए जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल होनी चाहिए, सिंगल बैंड नहीं होनी चाहिए, और उसपे आप पहले प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करोगे। प्री प्रोसेसिंग में जो भी स्टेप्स आते हैं, जैसे इमेज की क्वालिटी को आपको एनहांस करना है, इमेज का एरिया आपको जो है मास्क करना है, कोई प्रॉपर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे अप्लाई करना है मेथड को, तो वो सारे स्टेप्स जो है प्री प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। उसके बाद आता है सिग्नेचर कलेक्शन। तो सिग्नेचर कलेक्शन क्या हो जाता है, जैसे कि इस इमेज में देखें, यहाँ पे एक सैटेलाइट इमेज रिप्रेजेंट हुई है और यहाँ पे ये जो येलो वाले पॉलीगन्स हैं ये सारे सिग्नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरह के फीचर्स जो भी आपको दिखेंगे वहां पे आपको सिग्नेचर्स कलेक्ट करने होते हैं। जैसे लेक है, तो जितनी भी जगह आपको लेक दिख रही है या वाटर बॉडी दिख रही है वहां पे आपने छोटे छोटे दो चार पॉलीगन्स बना लिए, और इन चारों पॉलीगन्स को जो है एक क्लास में आपने क्लासिफाई कर दिया कि ये सारे जो है ये वाटर बॉडी के क्लास में आएंगे। उसके बाद जो होता है सिग्नेचर कलेक्शन के बाद सिग्नेचर इवैल्यूएशन का होता है। इवैल्यूएशन के स्टेप में वही है, आपने जितने भी सिग्नेचर्स लिए हैं आपको उसको क्लासिफाई करना होगा। जैसे आपने फॉरेस्ट के 10 सिग्नेचर ले लिए, वाटर बॉडी के 20 सिग्नेचर ले लिए, तो उन सारे 10 सिग्नेचर्स को एक जगह पे क्लासिफाई करके रखना होगा, और उसके बाद जो है फाइनल क्लासिफिकेशन को रन करते हैं, जिसके बाद एक थीमेटिक मैप जो है क्लासिफाइड जितने क्लासेस में आपने सिग्नेचर्स प्रोवाइड किए उतने क्लास में क्लासिफाइड एक आउटपुट मैप मिल जाता है। सिग्नेचर सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है कि आपको फोटोज की इवैल्यूएशन करने आने चाहिए, सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन आना बहुत जरूरी है ताकि आप फीचर्स को आइडेंटिफाई कर पाए और सिग्नेचर्स जो है करेक्टली प्रोवाइड कर सके। ये एक सिग्नेचर या ट्रेनिंग सेट्स का एग्जांपल है कैसे सिग्नेचर्स बनते हैं छोटे छोटे पॉलीगन्स। उसके बाद जो है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में आपने जितने भी क्लासेस में सिग्नेचर्स प्रोवाइड कराए होंगे उसके अकॉर्डिंग एक थीमेटिक मैप प्रिपेयर होके आ जाएगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर सिलेक्शन करके प्रॉपर एक मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में भी जो है अपने सिग्नेचर्स तो प्रोवाइड करा दिए, अब सिग्नेचर्स प्रोवाइड कराने के बाद जो है कंप्यूटर का काम है डिसीजन लेना कि कौन से सिग्नेचर किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और उसे कौन से फीचर क्लासेस को किस पैटर्न वाले को एक साथ रखना है। तो उसके लिए कुछ कॉमन डिसीजन रूल होते हैं सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के, जो मेनली दो टाइप के होते हैं, पैरामेट्रिक डिसीजन रूल और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक डिसीजन रूल। तो पैरामेट्रिक डिसीजन रूल के अंदर जो है दो मेथड्स आते हैं, मिनिमम डिस्टेंस क्लासिफायर और मैक्सिमम लाइकलीहुड, और नॉन पैरामेट्रिक डिसीजन रूल के अंदर पैरेलल पाइप क्लासिफायर और फीचर स्पेस क्लासिफायर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस सेंट्रोइड क्लासिफायर। तो मिनिमम डिस्टेंस सेंट्रोइड क्लासिफायर में क्या होता है, जैसे कि इस यहाँ पे एक जो ग्राफ रिप्रेजेंटेड है इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो है बैंड 1 को रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस में बैंड 2 को, और यहाँ पे जो है तीन क्लासेस को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि वाटर सिग्नेचर है, वेजिटेशन सिग्नेचर है और अर्बन सिग्नेचर है। अब आपने सिग्नेचर्स डिफाइन कर दिए हैं, अब उसके अलावा जो है इमेज में कोई कैंडिडेट पिक्सल है जिसके बारे में जो है पता करना है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, वाटर का है या वेजिटेशन का है या अर्बन का है। तो मिनिमम डिस्टेंस मेथड क्या करता है कि आपने जो सिग्नेचर्स प्रोवाइड कराए हैं सबसे पहले इन सिग्नेचर्स का जो है हर एक बैंड के लिए मीन कैलकुलेट करता है, और उसके बाद जो कैंडिडेट पिक्सल है इसकी डिस्टेंस जो है ये जो तीन क्लासेस हैं इनके साथ इनके मीन के साथ में कैलकुलेट करता है, और जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस वाला होता है उस क्लास में वैल्यूज को असाइन कर दिया जाता है। और इस केस में जो है ये कैंडिडेट पिक्सल इस अर्बन सिग्नेचर के पास में है तो इसको जो है अर्बन सिग्नेचर वाली क्लास में असाइन कर दिया जाएगा। तो द कैंडिडेट पिक्सल इज असाइन टू द क्लास विद द क्लोजेस्ट मीन, जिस सिग्नेचर के मीन के सबसे पास में इस कैंडिडेट पिक्सल की वैल्यू आ रही होगी उसके क्लास में इसको असाइन कर दिया जाता है। और इस मेथड में जो है अगर कोई पिक्सल जो है वो बियॉन्ड है, एनालिस्ट ने जो सिग्नेचर्स डिफाइन करके दिए उस वैल्यू के बियॉन्ड में कोई वैल्यू जा रही हो
तो उसको एज अ अननोन क्लास में जो है डिफाइन कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो है एक इमेज है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक पिक्सल ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम सेलेक्टेड ट्रेनिंग साइट्स प्लॉटेड ऑन स्कैटर डायग्राम में प्लॉट किया गया है। और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक इमेज रिप्रेजेंटेशन भी किया गया है। जैसे यहाँ पे 1 जो है ये एक कैंडिडेट पिक्सल है और इसका मीन जो है जिस सिग्नेचर के मीन के सबसे नियर में होगा, जैसे इस वाले सिग्नेचर के सबसे नियर में है, तो ये जो है इस क्लास में क्लासिफाई हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स हैं, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये बेस्ड ऑन पाइथागोरन थ्योरम पे बेस होता है। महालैनोबिस डिस्टेंस भी जो है मिनिमम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है, जिसमें जो है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का यूज होता है। इसके बाद जो अगला मेथड है मैक्सिमम लाइकलीहुड क्लासिफायर, इसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम लाइकलीहुड क्लासिफायर जो है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होता है, वेरिएंस कोवेरिएंस मीन इन सब पे बेस्ड होता है। और इस क्लासिफायर को अज्यूम करने से पहले देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स फॉर ईच कवर टाइप और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए सारे पॉइंट्स जो है हर क्लास के लिए। और ये मेथड जो है क्लासिफिकेशन टास्क पे जो है प्रोबेबिलिटी की थ्योरी अप्लाई करता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, गिवन दीज वैल्यूज द क्लासिफायर कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट अननोन पिक्सल्स विल बिलोंग टू पर्टिकुलर कैटेगरी। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम लाइकलीहुड क्लासिफायर में जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन को कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द इनपुट्स, जो इनपुट सिग्नेचर प्रोवाइड कराया जाता है उनसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। फिर अज्यूम किया जाता है प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल फॉर ऑल क्लासेस, हर क्लास के लिए इक्वल हो। उसके बाद जो है ईच पिक्सल इज देन जस्ट एज टू द क्लास टू विच इट मोस्ट प्रोबेबली बिलोंग। उसके बाद जो भी सिग्नेचर्स के अलावा जो पिक्सल्स बचते हैं उनकी जजमेंट होती है कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इमेज में रिप्रेजेंट किया गया है, प्री डिफाइंड सिग्नेचर्स के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे उनके प्रोबेबिलिटी कॉन्टूर्स को दिखाया गया है। मैक्सिमम लाइकलीहुड क्लासिफायर को जो है सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में। इसके बाद अगले डिसीजन रूल की बात करते हैं सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में, तो वो पैरेलल पाइप क्लासिफायर है। ये जो है बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच सिग्नेचर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करती है। पैरेलल पाइप क्लासिफायर को जो है ऑल्सो मल्टी लेवल स्लाइसिंग भी कहा जाता है और ये डिवाइड कर देता है ईच एक्सिस ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल फीचर स्पेस को, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में शो किया गया है। और ये जो डिसीजन रीजन होता है जो अनक्लासिफाइड पिक्सल्स है उनके लिए, वो हर एक सिग्नेचर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पे डिपेंड करती है। फीचर स्पेस क्लासिफायर जो है अगला मेथड है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के डिसीजन का, और उसमें क्या होता है बेस्ड ऑन डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट पॉलीगन इन फीचर स्पेस इमेज। जैसा कि यहाँ पे फीचर स्पेस इमेज में है, ये पैरेलल पाइप से ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि पैरेलल पाइप जो है वो एक पॉलीगन नहीं क्रिएट कर रहा था, वो एक क्यूब सा क्रिएट कर रहा था जिसके अंदर जो भी पिक्सल्स हैं वो या तो कुछ पिक्सल्स जो है जो दो क्लास में भी आ सकते थे। और फीचर स्पेस क्लासिफायर में क्या जो है वो एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट पॉलीगन क्रिएट करता है फीचर स्पेस के लिए इमेज में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, जिसमें हमने सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और उसके डिसीजन क्लासिफायर्स के बारे में बात की। अगले लेक्चर्स में हम अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।